आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी न्यूज चैनल से अपने अपने एग्जिट पोल का अनुमान लोगों के सामने रखा है। सभी न्यूज एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी राज की वापसी का अनुमान जताया है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तब भी समाजवादी पार्टी अपने लिए इन चुनाव परिणामों में सकारात्मक बिंदु खोज सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान सटीक बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए खुश होने के चार कारण हो सकते हैं। क्या वो चार कारण हैं? हम दिखाते हैं अपने इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सातवें फेज की वोटिंग के बाद सोमवार शाम आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर भी सभी एग्जिट पोल्स का एक ही इशारा है कि पार्टी 2017 के मुकाबले बहुत बेहतर करती दिख रही है, लेकिन अभी भी सत्ता से दूर दिख रही है। हालांकि अगर एग्जिट पोल्स सच भी साबित हुए तो सपा के लिए राहत और खुशी के कई संदेश हैं। वोट शेयर और सीटों में बड़ा इजाफा, लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एक मत से कहा है कि सपा गठबंधन 100 से 150 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि 2017 में महज 47 सीटों से संतोष करना पड़ा था। आज तक एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल्स के मुताबिक सपा को 71 से 101 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर ने 132 से 148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। टाइम्स नाउ वीटो का कहना है कि सपा 151 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं पार्टी के वोट शेयर में भी 2017 के मुकाबले काफी इजाफा होता दिख रहा है। वहीं लगभग सभी एग्जिट पोल्स में सपा के लिए वोट शेयर में 10 से 15 फीसदी इजाफे का अनुमान लगाया गया है। मायावती के वोटर्स को अपनी तरफ लाने में कामयाब, लगभग सभी एग्जिट पोल्स में वोट शेयर को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उसके विश्लेषण से पता चलता है कि सपा बसपा के वोट शेयर में सेंधमारी में कामयाब रही है। पार्टी के लिए राहत की बात है कि सपा के खिसकते जनाधार को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब रही है। अगर बसपा का वोटर शेयर बीजेपी को ट्रांसफर होता है तो बीजेपी पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती थी। मुस्लिम यादव के बेस के साथ पार्टी को अगर दलित वोटर्स का भी साथ मिला है तो भविष्य में सपा के लिए ये शुभ साबित होगा। बीजेपी का विकल्प बनने का तैयार। एग्जिट पोल्स का एक और साफ संदेश यह है कि यूपी की राजनीति अब भाजपा और सपा पर ही केंद्रित हो गई है। बसपा का जनाधार लगातार सिमट रहा है तो तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जमीन नहीं तलाश पा रही है। ऐसे में अगर इस चुनाव में सपा सत्ता से दूर भी रह जाती है तो उसे ये संतोष जरूर होगा कि आने वाले समय में अगर जनता बीजेपी का विकल्प तलाश करेगी तो उसके सामने सिर्फ सपा होगी। कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा उत्साह। 2017 और फिर 2019 के चुनाव में पहले कांग्रेस और फिर बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद सपा को निराशाजनक परिणाम मिले थे। 2022 के एग्जिट पोल्स में भी पार्टी को सत्ता मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन पार्टी के प्रदर्शन से जो इजाफा हुआ है उससे कैडर में एक सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह जरूर बढ़ सकता है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए संजीवनी की तरह होता है। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।